सो गाइस आपने अगर भी सोचा है कि आपके मोबाइल फोन में, आपके एंड्रॉयड स्मार्टफोन में कंप्यूटर इंस्टॉल हो सकता है, लैपटॉप इंस्टॉल हो सकता है, सोचा है कभी? गाइस मैं कल रात में इसे यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा था, तो स्क्रॉल कर करके मुझे एक वीडियो दिखा, मोबाइल में लैपटॉप इंस्टॉल कैसे करें, मोबाइल में कंप्यूटर इंस्टॉल कैसे करें। सो गाइस मैंने वो वीडियो पे क्लिक किया, मैंने देखा हाँ भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है, तो इसके ऊपर भी वीडियो बनाई जाए। सो गाइस आपको इस वीडियो में आज आपको ये ऐसी एक नई ट्रिक बताने वाला हूं कि आप अपने स्मार्टफोन में कंप्यूटर इंस्टॉल कैसे कर सकते हो। तो गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो बनने वाले, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे मेन चीज, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर देना। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम की आईडी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया और आपके मोबाइल स्क्रीन पे भी आ रही है। सो गाइस बिना वक्त जाए करें वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मिस्टर सैगी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस सबसे पहले आपको करना क्या है देख लीजिए, आप स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज फॉलो कीजिए। पहले सबसे पहले हमें प्ले स्टोर में जाएंगे, प्ले स्टोर में जाने के बाद हमें जाना है सर्च बॉक्स में। सर्च में क्या हमें सर्च करना है, कंप्यूटर लॉन्चर, जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च पहले से करके रखा है। हम लोग करेंगे इसके ऊपर क्लिक। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है गाइस। तो ये एप्लीकेशन को हम लोग डाउनलोड करना है, मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा था। तो सबसे पहले हम लोग इसको करेंगे ओपन, देख लीजिए ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद कुछ ऐसे तरीके से दिखेगा, तो डायरेक्टली गाइज हमारे यहाँ पे कंप्यूटर बन के ही रेडी हो गया है। तो आपको इसके बाद में क्या करना है, इसका जो भी थीम रहेगा हम लोग इसका थीम चेंज करेंगे गाइज, क्योंकि कुछ अच्छा सा इंटरफेस दिख जाए इसके ऊपर। हम लोग यहाँ पे थीम के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे थीम आ जाएंगे गाइज, देख लीजिए। विंडोज़ 10 है, यहाँ पे विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 10 डार्क है, आपको कौन सी भी थीम्स चाहिए आपको यहाँ पे सब मिल जाएंगे गाइज। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ऊपर 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 करते रहिए, आपको कौन सा भी थीम चाहिए। यहाँ पे आप आईफोन का भी थीम सेम कर सकते हो, उसके ऊपर भी अलग वीडियो बनाऊंगा गाइस, देख लीजिए। तो हम लोग चॉइस करेंगे विंडोज़ 10 स्टाइल, अप्लाई करेंगे यहाँ पे। मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है, मैं सबसे पहले आपको इंस्टॉल करने की सिस्टम बता देता हूँ गाइस। थीम के ऊपर जाना है, अभी मुझे विंडोज़ 10 का दूसरा थीम है वो मुझे चेक करना है, चॉइस करना है, मैं इसको इंस्टॉल करूँगा, देख लीजिए। ये फिर से जाएगा ऑटोमेटिकली आपके इंस्टॉल के ऊपर, प्ले स्टोर के ऊपर, तो थोड़ा सा वक्त देना इसको इंस्टॉल होने के लिए। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो विंडोज़ 10 का थीम डाउनलोड हो चुका है। हम लोग सबसे पहले इसको करेंगे ओपन। ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरीके से आपको दिख जाएगा गाइज, देख लीजिए लोडिंग हो रहा है। इसके और भी आपको जितने भी कलर्स रहेंगे यहाँ पे थीम आपको मिल जाएंगे, आज थीम, डार्क थीम, जो कौन सा भी आपको गाइस चाहिए रहेगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल अप्लाई पे क्लिक करूँगा, ये थोड़ा सा ऐड आएगा तो इसको इग्नोर कर देना, देखने तो देख लीजिए, नहीं तो आपकी मर्जी। तो हम लोग इसको करेंगे बैक। तो ये इस तरीके के साथ कुछ तो आपको थीम मिल जाएगा गाइस देखने के लिए। तो इसको सबसे पहले हम लोग करेंगे अप्लाई। अप्लाई करने के बाद हम लोगों ने कौन से ऐप से डाउनलोड किया है, कंप्यूटर लॉन्चर, तो हम लोग इसके सिंपल इसके ऊपर करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद ये थीम हो गया है अप्लाई। तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, कंफर्म अप्लाई वॉलपेपर, डू यू वांट टू अप्लाई थीम वॉलपेपर, तो यस हम लोगों को यहाँ पे करना है यस। यस करने के बाद कुछ इस तरीके से हम लोग का कंप्यूटर गाइस हो गया है रेडी। तो अभी मैं इसको करूँगा स्क्रीन रोटेट ऑन, मैं अपने फ़ोन को करता हूँ थोड़ा सा रोटेट। रोटेट करने के बाद आप देख सकते हो मेरा कंप्यूटर कुछ इस तरीके से हो गया है तैयार, देख लीजिए गाइस, एकदम सेम टू सेम कंप्यूटर आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो चुका है। आपको यहाँ पे कुछ भी कंप्यूटर जैसा करना रहेगा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप लोग आपके जितने भी कुछ भी डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, मूवीज़ वगैरह कुछ आपको रखना है, यहाँ पे आप स्टोरेज का बहुत ऑप्शन है, स्टोरेज में आप जाके रख सकते हो यहाँ पे। जिस बाकी जैसा सिंपल रहेगा आपका एप्लीकेशन वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा गाइस, देख लीजिए ये सारे आपको यहाँ पे एप्लीकेशन मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए जीमेल बॉक्स है, प्ले स्टोर है, यहाँ पे नीचे रिसेंट में मैंने क्या सर्च किया था, यूट्यूब स्टूडियो है मेरा, और बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो सेटिंग का भी ऑप्शन, सेटिंग्स के ऑप्शन जैसा नॉर्मल रहेंगे वैसे आपके फ़ोन में रहेंगे गाइस। तो इसको बैक करेंगे, यहाँ पे व्हाट्सएप, यूज़र,
जो भी कुछ चाहिए आपको यहाँ पे आएगा, ये सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको साउंड का ऑप्शन, बैटरी, ब्लूटूथ, उसके बाद में नेटवर्क, यहाँ पे मैसेज का बॉक्स है, सॉरी मैसेज नहीं, ये कुछ तो अलग है। यहाँ पे मीन्स अभी आप जैसे एयरप्लेन मोड, वाईफाई, ब्लूटूथ, फ्लैश ऑन करना है, या आपको ब्राइटनेस कैसे रखना है, डाटा चालू रखना है, रोटेट स्क्रीन ऑन है मेरा, हॉटस्पॉट, लोकेशन सेटिंग्स, साउंड, बैकग्राउंड, तो यहाँ पे सब कुछ गाइस आपको देखने को मिल जाता है। अभी ये आपको हटाना रहेगा आपके फ़ोन से गाइस, तो आपको सिंपली क्या करना है, मैं अपना फ़ोन कर लेता हूँ थोड़ा सा रोटेट फिर से एक बार सीधा। यहाँ पे आपको सिर्फ सिंपल एक ही चीज़ है, बैक करना है। यहाँ पे आपको रिसेंट वाले ऑप्शन में जाना है, रिसेंट ऐप, यहाँ से इसको 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 ओपन कर देना है। गाइज ये पूरा मेरा जो भी मेरा कंप्यूटर लॉन्चर था वो अभी डिलीट हो चुका है, सिर्फ इसका जो वॉलपेपर है, वॉलपेपर मेरे फ़ोन में ऐड हुआ, अभी मैं इसको बाद में चेंज कर लूँगा। अगर आपको वैसा यूज़ करना है यूज़ कीजिए, ऐसा यूज़ करना है तो यूज़ कीजिए। तो गाइज देख लिया आपने कि कैसे आप अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन को कंप्यूटर में कन्वर्ट कर सकते हो या इंस्टॉल कर सकते हो। सो गाइज यही था आज के इस वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। ऐसे ही नई मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर अभी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, बाय बाय।